नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आशिक में। आज मैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल, ठीक है, आज मैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, एक एसक्यूएल ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूं। पार्ट वाइज आप देख सकेंगे, आज ये मेरा पहला पार्ट है एसक्यूएल ट्यूटोरियल पार्ट वन। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ एसक्यूएल और वाई भी हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या कमांड्स होते हैं, एसक्यूएल के कमांड्स क्या होते हैं और कैसे हम एसक्यूएल को लिख सकते हैं, कमांड्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कि डेटाबेस, एसक्यूएल जो है रिलेटेड है डेटाबेस से। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है किसी भी बिजनेस के डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। किसी भी जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी के बहुत सारे रिकॉर्ड जो होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं उस डेटाबेस में। अब है कि डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है डेटा, तो उसमें डेटा स्टोर होता है टेबल में, और टेबल होता है रो और कॉलम वाइज, ठीक है, रो और कॉलम वाइज टेबल में डेटा स्टोर होता है आपके जो भी बिजनेस डेटा। अब है कि डेटा बेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन मतलब स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में बहुत ही कम डेटा रहते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं किसी भी एक्सेल में, कहीं भी आप रजिस्टर कहीं भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दिन ब दिन आपका जो है कस्टमर बढ़ता जाएगा, आपका प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, आपका एम्प्लॉय बढ़ते जाएंगे, डिपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे, तो दिन ब दिन आपका जो है बिजनेस ग्रो करता जाएगा। तो उसको डेटा को दिन ब दिन डेटा बढ़ते जाएंगे, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ह्यूज कलेक्शन ऑफ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपका डेटा हो जाता है, तो उसको मैनेज करना सिंपली पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। तो हम जो है कि अभी यूज़ कर रहे हैं ओरेकल डेटाबेस 10G, ओरेकल डेटाबेस 10G हमने अभी यूज़ कर रहा हूँ अभी, जो कि रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए वो सारे रेलवे के सारे डेटा को मैं कलेक्ट करके रखा हूँ अपने डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस 10G में। सबसे पहले क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल कीजिए 10G, उसके बाद डेटाबेस बनाइए, उसके बाद यूज़र बनाइए, टेबल स्पेस बनाइए। वो सारा स्टेप्स जो है मैं पहले से ही क्रिएट करके रख चुका हूँ, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है और इसमें यूट्यूब में, तो आप वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक में जाके देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे यूज़र क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्यों ज़रूरी होती है ये आपको पता चल गया। अब बात आती है कि डेटाबेस में जो डेटा है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज है, सिंपल है। एसक्यूएल लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है सीखना, अगर आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखते रहें, मैं इसमें अपडेट करते रहूँगा पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहले एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल यूज़ करते हैं डेटाबेस से डेटा फिच करने के लिए, डेटाबेस के डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल वर्ड कहूँ तो एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। अब एसक्यूएल कमांड्स क्या है, एसक्यूएल कमांड्स है डेटाबेस से डेटा फिच करने के लिए कुछ कमांड्स होती है, कुछ तरीके होते हैं। ऐसे तो एसक्यूएल लैंग्वेज हो गया, लेकिन एसक्यूएल लैंग्वेज में जो कमांड्स होते हैं वो उस कमांड्स को यूज़ करके हम डेटाबेस से डेटा फिच करते हैं। यहाँ पे बोर्ड वगैरह है नहीं कोई सुविधा, इसलिए मैं यहाँ पे वर्बली बोल रहा हूँ और बाद में स्क्रीन पर दिखाऊँगा बाद में, ठीक है। जस्ट इसके बाद
मैं सारा चीज़ स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, एसक्यूएल कमांड्स के यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें होता है DML, DDL और DCL। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब कि डेटा में DML लैंग्वेज को यूज़ करके डेटा में हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के डेटा में, डेटाबेस के अंदर एक टेबल हो गया, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हो गया टेबल, टेबल का जो डेटा हो गया वो उसको हम अपडेट कर, उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डेटा में छेड़छाड़ करने के लिए DML का, DML जो होता है DML लैंग्वेज उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि आप टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में नया कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये हो गया, ये सब है। और कुछ टूल्स हैं जैसे कि एसक्यूएल कमांड्स की बात हो गई। अब एसक्यूएल कमांड्स का सिंटेक्स की बात कर लें। सिंटेक्स क्या होता है कि एसक्यूएल कमांड में जो सिंटेक्स होता है कि सिंटेक्स एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एसक्यूएल जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। एक तरीका होता है एसक्यूएल कमांड को लिखने का, उसे सिंटेक्स कहते हैं, कि कैसे लिखे ये कमांड, हम कैसे लिखे कि डेटाबेस से डेटा फेच करे। एक रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरीका है, उसे बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेंगे, उसको वहाँ पे हम आपको सिंटेक्स दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अब बात आती है कि एसक्यूएल कमांड हो गया, एसक्यूएल सिंटेक्स हो गया, ठीक है। अब है कि अब जो एसक्यूएल कमांड्स और सिंटेक्स हमको मालूम चल गया, अब इसमें क्या है कि अब एसक्यूएल कमांड्स को हम कहाँ चलाएं। टूल्स है, कुछ टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है एसक्यूएल कमांड्स को चलाने के लिए। जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो एसक्यूएल डेवलपर एक है, फर्स्ट नंबर पे एसक्यूएल डेवलपर, सेकेंड नंबर पे एसक्यूएल नेविगेटर, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है जो कि ओरेकल जब इंस्टॉल करते हैं उसके साथ इनबिल्ड आपको एसक्यूएल कमांड चलाने का टूल्स मिलता है, जो कि है एसक्यूएल प्लस, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, कैसे ओपन करते हैं एसक्यूएल प्लस, कैसे ओपन करते हैं एसक्यूएल नेविगेटर, कैसे ओपन करते हैं एसक्यूएल डेवलपर, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में स्क्रीन पे सब सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ, और कुछ डिस्क्रिप्शन वो पूरी तरह से अच्छा से हम आपको वहाँ पे बताएंगे। अभी यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह है नहीं, इसलिए मैं अभी वर्बली बता रहा हूँ, जस्ट आपके स्टार्टिंग के लिए। कि आप देख सकते हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल पार्ट वन, जो कि मैं खुद से यहाँ पे कुछ आप सभी के लिए यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस एंड एसक्यूएल, डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ टेबल बाय रो एंड कॉलम वाइज एंड इट इज इजीली एक्सेस्ड बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज एंड कमांड्स, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक ऐसा ये जगह है जहाँ पे हम डेटा को, किसी भी बिजनेस डेटा को स्टोर करके रखते हैं। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। व्हाई डेटाबेस इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटाबेस क्यों रिक्वायर्ड है। जैसे कि शुरू में मैं आपका बिजनेस छोटा रहता है तो उस हिसाब से आपका जो डेटा मैनेज करने में आसानी होता है। जैसे धीरे धीरे आपका जो बिजनेस ग्रो करता है और सारी चीज़ें बढ़ती रहती है, एम्प्लॉय बढ़ते रहते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते रहते हैं, कंज्यूमर बढ़ते रहते हैं, तो उस हिसाब से कि आपका जो डेटा बहुत ही बड़ा हो जाता हो तो आपको वहाँ पे मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आसानी से डेटा फिच करने में। तो इसलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं और वहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, टेबल में, ठीक है। व्हाट इज एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड क्या है, एसक्यूएल कमांड इज बेस्ड, एसक्यूएल इज कमांड्स बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज, देन कमांड इज द वे टू कनेक्ट डेटाबेस बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, इन अदर वर्ड द स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड्स टू इंटरैक्ट विद रिलेशन डेटाबेस, क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। एसक्यूएल कमांड्स क्या है, जिसमें हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल है। और एसक्यूएल के कमांड्स क्या होते हैं, ये कैसे क्या क्या होते हैं,
एसक्यूएल कमांड्स क्या क्या कर सकते हैं डेटाबेस में, वो सारे को बोलते हैं एसक्यूएल कमांड्स। तो अब है टाइप ऑफ इसके कमांड्स इन एसक्यूएल। तो टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो DDL, DML, DCL मैंने आपको बताया है, तो लेकिन ये नहीं बताया कि DDL में क्या 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 होता है। तो DDL का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, डेटाबेस या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट मतलब क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, डेटाबेस का स्ट्रक्चर को क्रिएट करो या डिलीट करो, या टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करो। अल्टर मतलब कि टेबल या डेटाबेस में कुछ अल्टरिंग करना हो, टेबल में मान लिया कि कुछ कॉलम वगैरह ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, उसको अल्टर बोलते हैं, ठीक है। अल्टर हो जाए, अल्टर का यूज़ करके हम वहाँ पे टेबल में अल्टरिंग करेंगे। और ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कि टेबल ड्रॉप करो, डेटाबेस ड्रॉप करो, कुछ भी ड्रॉप करो यहाँ पे के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में, कुछ भी डेटाबेस या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना मतलब कि डेटाबेस से हटाना। DML ऑपरेशन क्या होता है, DML लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें होता है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सेलेक्ट से होता है कि टेबल से, डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए होता है सेलेक्ट का यूज़। इंसर्ट का यूज होता है कि डेटाबेस में इंसर्ट करने का, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कीजिए, ठीक है। क्रिएट्स अ रिकॉर्ड। अपडेट का मतलब होता है कि जो पहले से रिकॉर्ड है उसमें कुछ मॉडिफाई करना, ठीक है। मतलब कि जो पहले किसी का सैलरी 10,000 है तो उसको 15,000 करना है, तो अपडेट का यूज़ करते हैं। तो डिलीट, डिलीट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, ठीक है। DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज होता है कि प्रिविलेज देने के लिए और लेने के लिए। तो ग्रांट और रिवोक, गिव अ प्रिविलेज टू यूज़र, किसी भी यूज़र को उसका अधिकार के क्या क्या कर सकते हो तुम, वो अधिकार देने के लिए ग्रांट का यूज़ होता है। और रिवोक का यूज होता है टेक बैक प्रिविलेज ग्रांटेड फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र होता है जिसको अधिकार दिए गया हो उसको वापस लेने के लिए, अधिकार छीनना, उसको बोलते हैं रिवोक, ठीक है। अगर आप इस जान ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे जा सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये यहाँ पे। तो ये वीडियो है, ये मैं इसको आपको जो ये वाला जो लिंक है, ये लिंक और ये लिंक एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है, विथ एग्जांपल, ठीक है, कमांड्स विथ एग्जांपल, फॉर मोर अबाउट एसक्यूएल कमांड्स, इसके लिए यहाँ जाए और एग्जांपल के साथ देखने के लिए यहाँ जाए। अब बात आती है कि व्हाट इज़ टेबल। जो डेटाबेस में जो टेबल होता है वो कॉलम और रो वाइज डेटा स्टोर होता है टेबल में। तो टेबल क्या होता है, टेबल होता है कि स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस में, उसे बोलते हैं टेबल, और वो कॉलम और रो वाइज बना रहता है, उसका स्ट्रक्चर रहता है। व्हाट आर द टूल्स फॉर रन द एसक्यूएल कमांड्स, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि एसक्यूएल कमांड्स आपको मिल गया, और जैसे कि DML, DDL और DCL, और उसके बाद उस कमांड्स को कैसे, कहाँ लिखेंगे उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। तो एसक्यूएल प्लस है, एसक्यूएल प्लस है, एसक्यूएल डेवलपर है, एसक्यूएल नेविगेटर है, ठीक है, और टोड भी है, टोड फॉर ओरेकल। ये चार मैं अभी यूज़ करता हूँ जनरली, वैसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी ये चार यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज एसक्यूएल प्लस, एसक्यूएल प्लस क्या है, एसक्यूएल प्लस है ओरेकल का फ्रंट एंड इंटरफेस, एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, रन कराने के लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट है, जो कि जब ओरेकल इंस्टॉल करते हैं उसी वक्त हमको वहाँ पे इनबिल्ट इंस्टॉल होता है। हाउ टू स्टार्ट द एसक्यूएल प्लस, ठीक है। अब क्या है कि एसक्यूएल प्लस को कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स है, लेकिन यहाँ पे मैं विंडो 8 है तो यहाँ पे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट आपको विंडो दबाना है और एसक्यूएल प्लस खोजना है। तो इस तरह से आप खोजेंगे, जैसे कि विंडो दबाया और एसक्यूएल यहाँ पे दबाया, तो यहाँ पे एसक्यूएल प्लस आ गया, यहाँ इसको ओपन करना है आपको, ठीक
ठीक है। यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट स्ट्रिंग। यूज़र नेम में आपको जो देना है, मान लिया कि मेरा स्कॉट अभी यूज़ कर रहा हूँ, स्कॉट स्कीमा, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा कि क्या होता है स्कॉट, स्कॉट ठीक है। और ये पास होस्ट स्ट्रिंग में यहाँ पे आप अपने डेटाबेस, जो भी डेटाबेस ओरेकल डाले हैं, तो ओरेकल डेटाबेस के अंदर कौन से डेटाबेस क्रिएट किए हैं, तो मैंने ओरेकल नाम से ही डेटाबेस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे ओरेकल डाल दिया। अब यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरेकल डेटाबेस 10G इंटरप्राइज एडिशन यहाँ पे कनेक्टेड टू दिखा रहा है कि ये अब कनेक्ट हो चुका है आपका यहाँ SQL प्लस में, ठीक है। इसमें यही देखा गया है कि यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट यूज़र नेम में योर यूज़र नेम, मतलब कि स्कॉट दिया मैंने, पासवर्ड में पासवर्ड जो मैंने दिया है, होस्ट स्ट्रिंग में डेटाबेस नेम देना है आपको, तो मेरा जो डेटाबेस क्रिएट किया गया है ओरेकल नाम से ही मैंने क्रिएट किया है। तो ये करने के बाद क्लिक ऑन ओके बटन करेंगे तो कनेक्ट वो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर कोड कहाँ लिखना होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ पर कोड लिखेंगे आप अपना, ठीक है ठीक है। जस्ट मैं कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने दिखा दिया। उसके बाद अब क्या है कि SQL प्लस दिखा दिया, अब SQL डेवलपर कैसे करते हैं स्टार्ट वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको अब एग्जिट करो, एग्जिट ठीक है। SQL डेवलपर मैं आपको अब दिखाता हूँ। SQL डेवलपर, जैसा कि आप SQL डेवलपर को डाउनलोड कर लें, उसके बाद सबसे पहले क्या करें, डाउनलोड कर लें आप। वो मेरा कहाँ रखा हुआ है, जैसे डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे रखा है इस फोल्डर में सॉफ्टवेयर के अंदर SQL डेवलपर, ठीक है। SQL डेवलपर 32 बिट और 64 बिट दो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये फोल्डर को ओपन करना है आपको, SQL डेवलपर डॉट exe को क्या करना है आपको, यहाँ पर सेंड टू डेस्कटॉप करना है, सेंड टू डेस्कटॉप, तो क्रिएट शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे क्रिएट शॉर्टकट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, तो आपको राइट क्लिक करना है या डबल क्लिक करके ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ओरेकल SQL डेवलपर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओरेकल SQL डेवलपर भी दिखाऊंगा मैं अभी, SQL नेविगेटर को भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा और टोड को भी, टोड फॉर ओरेकल को भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। जस्ट डीमो है कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कमांड लिखते हैं, ठीक है। ये खुल गया इस तरह का, आपका जो भी अब SQL डेवलपर ओपन करेंगे इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा है, कनेक्शन, न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन नेम, मतलब कि कुछ स्कॉट है, HR है, या कोई भी आप कनेक्शन नेम देख सकते हैं। यूज़र नेम स्कोर दीजिए, पासवर्ड स्कोर दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन टाइप में बेसिक TNS देना है। मान लीजिए कि TNS आपका क्रिएट है तो लोकल TNS अगर आप देंगे तो यहाँ पे नेटवर्क एलाइस में ओरेकल डेटाबेस मेरा जो है वो दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट, तो यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे स्कॉट TNS टेस्ट, यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। ये स्कॉट यूजर, ये कनेक्शन टाइप, यूज़र नेम स्कॉट, पासवर्ड स्कॉट, और TNS यहाँ पे कनेक्शन टाइप, और नेटवर्क एलाइस ओरेकल। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया। अब क्या करेंगे, कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वो एक विंडो ओपन कर देगा। यहाँ पे हम आप क्वेरी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी आप लिखेंगे, आप अपना SQL कमांड्स लिखेंगे, उसके बाद रन कराएंगे। यहाँ पे क्वेरी लिख के इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रन स्टेटमेंट, SQL स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो रन हो जाएगा। अब क्या करें, अब इसको क्लोज करते हैं। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाला SQL नेविगेटर, ठीक है। इसको क्लोज़ कीजिए, ठीक है। अब SQL नेविगेटर कहाँ है, SQL नेविगेटर 6.1 मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। डबल क्लिक करेंगे आप, जैसे कि इंस्टॉल करने के बाद SQL नेविगेटर जो है कि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल जाएगा।
ठीक है, ये खुल गया इस तरह से। ये दो विंडो खोल गया, दो बार मैंने क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे इस तरह से आपका विंडो खुलेगा। वैसे ये तो रहेगा नहीं, ये कनेक्शन आपको, ये नया कनेक्शन लेने के लिए पहले से ही कनेक्टेड है, ये सेव पासवर्ड मैंने करके रखा हुआ, इसलिए ये आ गया। अगर आपको यहाँ, यह देख रहे हैं यहाँ prime_hq@oracle, यहाँ पे scott@oracle, तो ओरेकल मेरा डेटाबेस है, ये स्कॉट जो है ये यूज़र है, prime_hq यूज़र है। तो अगर दूसरा आप सेशन लेना चाहते हैं स्कॉट का, या एफरेज नाम का एक यूज़र है मेरे पास, तो उसका हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ओरा DB tng_home1 को यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल नेविगेटर होम क्लाइंट ठीक करना है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन टाइप में TNS नेम देना है, डेटाबेस ऐसे ही TNS नेम सेलेक्ट करेंगे, आपको डेटाबेस यहाँ पे दिखा देगा। ओरेकल यूज़र नेम आप यहाँ पे दीजिए एफरेस, ठीक है, एफरेस मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड भी एफरेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया सेव पासवर्ड था। अब यहाँ पे क्लिक ऑन ओके करेंगे तो ये कनेक्शन ओपन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये करने के बाद, उसके बाद ये यहाँ पे रन द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे अपने स्टेटमेंट को। तो यहाँ से आप इस तरह से आप SQL नेविगेटर भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्या टोड, टोड में फिर कैसे हम ओपन करते हैं, टोड नेक्स्ट, ये टोड फॉर ओरेकल कैसे करते हैं। तो टोड आप जो है कि गूगल से डाउनलोड कर लें, अभी इंटरनेट कनेक्शन है नहीं तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे टोर फॉर ओरेकल तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का इंस्टॉल करने के बाद आएगा, तो टोर फॉर ओरेकल वर्जन 9.0.1 मेरे पास है, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज़ एसक्यूएल प्लस ये मैंने बता दिया और ये सब भी बता दिया, और जस्ट मैं डीमो दिखा रहा हूँ कि आपको कभी भी ये ओपन करने में तकलीफ़ नहीं हो। तो जब भी आप ओपन करेंगे तो इस तरह का विंडो आएगा आपको, ठीक है। इस तरह का आएगा, prime_hq यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये पहले से ही एडिट ये है, एफरेस दिखा रहा है प्राइम, या ये दो है, दो कनेक्शन है एफरेस प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले से ही कनेक्शन ये सेव्ड था इसलिए यहाँ पे ओपन होके आ गया। अगर नया कनेक्शन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेशन में जाएं, न्यू कनेक्शन, यहाँ पे सेशन में ऊपर में सबसे यहाँ पे न्यू कनेक्शन, न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम दे दें स्कॉट, पासवर्ड स्कॉट, कनेक्शन टाइप TNS, डेटाबेस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, उसके बाद कनेक्टेड एज नॉर्मल, उसके बाद अब जो है स्कॉट, डेटाबेस, ठीक है, अब जो है इसे कनेक्ट करें। अगर आप सही से इंस्टॉल किए हैं डेटाबेस और यूज़र सही से बनाए हैं, उसके प्रिविलेज सही से दिए हैं, और जो डमी जो होता है स्कीमा वो चेक करके इंस्टॉल किए हैं ओरेकल, तो स्कॉट वाला आपको खुल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तीन कनेक्शन दिखा रहा है, प्राइम, एफरेस, स्कॉट। तो अब यहाँ पे ये कमांड इस तरह से करके उसके बाद रन करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरह से आप जो है करा सकते हैं यहाँ पे रन, इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं SQL प्लस, SQL डेवलपर, SQL नेविगेटर और टोर फॉर ओरेकल, ये चारों मैंने आपको यहाँ पे ओपन करके कनेक्ट करके दिखा दिया। तो इसी तरह से आप करें, और नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कैसे कमांड चलाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल आसिक, एंड डोंट फॉरगेट टू टैप ऑन बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन फ्रॉम SQL ट्यूटोरियल पार्ट्स। ये SQL ट्यूटोरियल्स पार्ट वन है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला जो है SQL ट्यूटोरियल्स पार्ट टू।
ठीक है, नेक्स्ट आने वाला है SQL ट्यूटोरियल पार्ट 2, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन जाए जब भी हम आपको डालें, हम वीडियो डालें तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।